तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रैंक YouTube वीडियो ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको पता चल जाएगा वीडियो रैंक होने के कितने ज़्यादा बेनिफिट है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर आप देखो तो मुझे मेरे चैनल पर 75% से ज़्यादा जो ट्रैफिक है पिछले 28 दिन में YouTube सर्च से मिला है। जब आपकी YouTube वीडियो सर्च लिस्ट में रैंक हो जाती है तो आपको हर चीज़ का बेनिफिट होता है। अगर आप देखो तो मुझे मेरे चैनल पर 75% से ज़्यादा जो ट्रैफिक है पिछले 28 दिन में YouTube सर्च से मिलता है, और इससे ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और एक बार अगर आपकी वीडियो YouTube सर्च लिस्ट में रैंक कर जाती है तो YouTube सर्च का बेनिफिट सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं रहता, बल्कि व्यूज़, वॉच टाइम, अर्निंग सब्सक्राइबर, हर चीज़ में आप लोगों को बेनिफिट होता है जब आपकी वीडियो YouTube सर्च लिस्ट में रैंक होती है। इस चीज़ का प्रूफ आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। YouTube सर्च में वीडियो रैंक कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जिसमें से 50% से ज़्यादा मैटर करता है हमारे वीडियो का टाइटल, और जो बाकी का 50% है वो होता है हमारे वीडियो का मेटा डाटा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू राइट टाइटल फॉर YouTube वीडियोस। तो टाइटल लिखना भी एक आर्ट है। अगर आप अपने YouTube वीडियोस के लिए कुछ भी टाइटल लिख देते हो और आप लोगों को लगता है कि कुछ भी टाइटल लिखने से आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अब 2021 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोगों को टाइटल लिखने का तरीका भी बदलना होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 50% मैटर करता है हमारे वीडियो का टाइटल, तो टाइटल में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे कि हाई सर्च वॉल्यूम एंड हाई कॉम्पिटिशन, हाई सर्च वॉल्यूम एंड लो कॉम्पिटिशन, गुड सर्च वॉल्यूम एंड हाई कॉम्पिटिशन, गुड सर्च वॉल्यूम एंड लो कॉम्पिटिशन, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो अभी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ गुड सर्च वॉल्यूम एंड लो कंपटीशन एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड का। तो अभी मैंने अपना जो है ट्यूबबडी एक्सटेंशन अपने पीसी में ओपन कर लिया है। ये स्टेप आप लोग अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो ट्यूबबडी ऐप के हेल्प से। तो यहाँ पर जो कीवर्ड एक्सप्लोरर है, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक शॉर्ट टेल कीवर्ड एंटर करता हूँ। जैसे अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है, तो कीवर्ड रिसर्च का जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अभी एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये कॉमन हर कोई सर्च करता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी, और जो आपसे बड़े क्रिएटर है जिनके चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर है, उन्होंने जो है इस शॉर्ट टेल कीवर्ड को लेके पहले से वीडियो बना दी होगी, और इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों की वीडियो के एकदम कम चांस है कि वीडियो रैंक कर पाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है इसके अगर आप सर्च वॉल्यूम देखो तो सर्च वॉल्यूम फेयर है, यानी कि बहुत कम लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और साथ ही में अगर आप कंपटीशन देखो तो कंपटीशन भी फेयर है। कंपटीशन फेयर का मतलब ये होता है कि इस कीवर्ड को लेकर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, और ऐसे में अगर आप इस कीवर्ड को लेकर अपने वीडियो बनाते हो तो बिल्कुल कम चांस है कि आपका वीडियो रैंक करे। तो कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो आप लोगों को वीडियो नहीं क्रिएट करनी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कीवर्ड के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। अब इसी शॉर्ट टेल कीवर्ड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं जो है आगे ऐड करता हूँ हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर YouTube वीडियो इन 2021। अब अगर आप देखोगे तो इस कीवर्ड की लेंथ बड़ी हो चुकी है, अभी हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं बल्कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जैसे सर्च पे क्लिक करूँगा तो आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी सर्च वॉल्यूम गुड हो चुकी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। कंपटीशन बिल्कुल कम है, वेरी गुड है, यानी कि आप लोग अपने न्यू चैनल पर भी इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, जहाँ पर हमारी सर्च वॉल्यूम भी हमें मिल रही है अच्छी खासी, और हमारा जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी लो हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड लो कंपटीशन का। तो आप लोग जो इस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप कीवर्ड के साथ जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आपका फर्स्ट कीवर्ड था जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से एक शॉर्ट टेल कीवर्ड लेता हूँ, जो कि हमारा होगा हाउ टू रैंक वीडियो। अब अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये रैंकिंग के ऊपर ही है, तो अगर मैं इस कीवर्ड को यूज़ करता हूँ जो कि है हाउ टू रैंक वीडियो, तो इसकी सर्च वॉल्यूम हम लोग चेक करते हैं। अगर आप देखो तो इसकी सर्च वॉल्यूम बिल्कुल कम है, बहुत कम लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। प्लस अगर आप कंपटीशन देखो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक नए चैनल पर इस कीवर्ड को लेकर वीडियो बनाते हो तो कभी आप लोगों की वीडियो रैंक नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
पर अब इस शॉर्ट टेल कीवर्ड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो हाउ टू रैंक वीडियो था, इसके आगे मैं लिख देता हूँ हाउ टू रैंक वीडियो इन यूट्यूब सर्च। अब जैसे मैंने इसको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट किया, तो अभी हम लोग सर्च करके देखते हैं कि इसकी कॉम्पिटिशन और सर्च वॉल्यूम कितनी है। तो मैंने यहाँ पर जो इस कीवर्ड को सर्च किया है, सर्च करने के बाद अगर आप देखो तो सर्च वॉल्यूम गुड बता रही है, यानी कि लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और कंपटीशन अगर देखो तो कंपटीशन भी वेरी गुड है, यानी कि इस कीवर्ड को मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल पर भी यूज़ कर सकता हूँ अपने वीडियो को रैंक कराने के लिए। तो ये एक सिंपल सा मेथड होता है लॉन्ग शॉर्ट टेल कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करने का। और अगर आपको कोई भी कीवर्ड में कंपटीशन ज़्यादा मिल रही है, तो उसके आगे आप लोग ईयर ऐड कर सकते हो, या उसके आगे जो है आप लोग हिंदी ऐड कर सकते हो, या आप और भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उस कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड के बारे में डिटेल में बता दिया है। तो एग्जाम्पल से तो आप लोगों को समझ गया होगा कि आप लोगों को कीवर्ड किस तरह से यूज़ करने हैं अपने टाइटल में। पर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को विद आउट टैग्स वाले भी वीडियो दिखते हैं और विद टैग्स वाले भी वीडियो मिलते हैं। तो चलिए इसे समझते कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विदाउट टैग्स वीडियोस की। आपने यूट्यूब सर्च में ऐसे बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसमें कोई टैग्स नहीं होते, फिर भी वो वीडियो यूट्यूब पे रैंक करती है। तो जैसे मैंने बताया 50% मैटर करता है हमारे वीडियो का टाइटल। अगर आपने टाइटल प्रॉपर ऐड किया है तो आप बिना टैग्स के भी वीडियो को रैंक करा सकते हो। बट अक्सर ऐसी वीडियोस होती है जो कि यूट्यूब सर्च लिस्ट में बिना टैग्स के रैंक करती है, वो वीडियो जो है न्यूज़ वाली वीडियो होती है, या तो कंट्रोवर्सी टॉपिक पर वीडियो होती है, या कोई अपडेट वाली वीडियो होती है। ऐसे वीडियोस जो है विदाउट टैग्स के भी रैंक हो जाती है। अगर आप इनमें से कोई टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो आप भी विदाउट टैग्स अपने वीडियो को रैंक करा सकते हो, क्योंकि इन सारे वीडियोस में ज़्यादा मैटर करता है हमारे वीडियो का टाइटल। क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूज़ डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो आप उसमें कोई टैग यूज़ नहीं कर पाओगे। और जैसे कंट्रोवर्सी टॉपिक होता है तो आप लोग एक ही टॉपिक पर मल्टीपल वीडियोस नहीं बना पाओगे। तो इसलिए जो इसमें सिर्फ ज़्यादा मैटर करता है टाइटल, इसलिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ है जो कि बिना टैग के भी रैंक कर जाती है यूट्यूब सर्च लिस्ट में। अब अगर बात की जाए विथ टैग्स वाली वीडियो की, तो 70% जो वीडियोस होते हैं जो YouTube सर्च लिस्ट में रैंक करती है उनमें टैग्स होते ही है। अब YouTube सर्च लिस्ट में कोई यूज़र सर्च तभी करता है जब उसको ज़रूरत होती है, उसे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तभी यूज़र जो YouTube सर्च लिस्ट का यूज़ करता है। तो अगर आपके वीडियो में टैग्स ही नहीं है तो YouTube आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में कभी भी शो नहीं करा पाएगा। इसलिए जो 70% वीडियोज़ होती है वो उसमें टैग्स होते ही है, जो कि रैंक टैग्स होते हैं। अगर आपका टॉपिक सर्चेबल है तो आप लोगों को टैग्स ऐड करने ही चाहिए। और अगर आप लोग न्यू चैनल स्टार्ट किए हो तब आपको हर एक वीडियोस के लिए टैग्स यूज़ करना ही करना चाहिए। अब एक लास्ट चीज़ बचती है वीडियो को रैंक कराने के लिए, जो कि है मेटा डाटा। अब मेटा डाटा से मतलब क्या होता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, यूट्यूब वीडियो का थंबनेल, यूट्यूब वीडियो का फाइल। तो जो हमारे यूट्यूब वीडियो का फाइल होता है, जो भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं, अपने मोबाइल में वीडियो को सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो एक्सपोर्ट फाइल होती है हमें उसे रीनेम करना होता है हमारे वीडियो के टाइटल से। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आप जो भी वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको उस वीडियो को रीनेम कर लेना है अपने मेन टाइटल से। सेम चीज़ आपको थंबनेल के साथ भी करनी है, आपको टाइटल में उस मेन कीवर्ड को ऐड करना ही करना है, डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 टाइम उस मेन कीवर्ड को मेंशन करना है, और टैग्स में भी उस मेन कीवर्ड को यूज़ करना है, ताकि YouTube जब भी कोई उस कीवर्ड को सर्च करे तो आप लोगों की वीडियो भी YouTube सर्च रिजल्ट में दिखाए। और अब अगर बात की जाए YouTube सर्च रिजल्ट से क्या बेनिफिट होता है, तो आप लोग अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि मेरे वीडियो जो है लास्ट 20 डेज में मोर देन 75% का जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब सर्च से लेकर आई है। और जो भी मेरी वीडियो रैंक होती है उससे मुझे सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, व्यूज़ और साथ ही साथ मेरी रेवेन्यू भी उससे बहुत अच्छी होती है। तो YouTube पर वीडियो रैंक कराना बहुत मुश्किल नहीं है, पर अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हो, प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड करते हो, तो आप लोग पॉसिबल कर पाओगे कि आप अपने नए चैनल के भी वीडियो रैंक करा पाओ। और अगर आप लोगों का गेमिंग चैनल है, आप लोग को टॉप 10 गेमिंग चैनल आइडियाज़ के बारे में जानना है, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, या अगर आपको एल्गोरिथम चैनल ग्रोथ के बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाली वीडियो को वॉच कर सकते हो।